नमस्कार मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य देवांगना और आसिफ को जमानत अदालत ने असहमति की आवाजें दबाए जाने पर जताई चिंता हमारी दूसरी खबर में हम बात करेंगे यूपी की जहां पर शराब माफिया का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार की सड़क हादसे में मौत एक दिन पहले बताया था जान को खतरा पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ी मुंबई के बाद अब हैदराबाद में तेल सौ के पार मध्य प्रदेश कोविड 19 मौतों का आंकड़ा छुपा रहे शिवराज माकपा का राज्य प्रदर्शन का आह्वान चिराग पासवान के खिलाफ एकजुट हुए लोजपा सांसद पारस को चुना लोकसभा में दल का नेता और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में साठ नए मामले दो मरीजों की मौत दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल देवांगना कालिता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को आज मंगलवार 15 जून को जमानत दे दी इन लोगों को पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने निचली अदालत के इन्हें जमानत ना देने के आदेश को खारिज करते हुए तीनों को नियमित जमानत दे दी न्यायालय ने माना है कि प्रथम दृष्टियां तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर धारा 15 17 या 18 यूएपीए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है इन्हें 50000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई अदालत ने पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल देवांगना कालिता और तनहा को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश भी दिया जमानत देते हुए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और एजे भंबानी की पीठ ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा हम यह बोलने के लिए मजबूर हैं ऐसा लगता है कि राज्य के मन में असहमति की आवाज को दबाने की चिंता में विरोध करने के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की जो रेखा है वो कुछ धुंधली नजर आ रही अगर यह सोच जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा। उत्तर प्रदेश में एक हिंदी न्यूज चैनल के साथ काम करने वाले एक टेलीविजन पत्रकार रविवार यानी 13 जून को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने प्रयागराज के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी को अपनी जान का खतरा होने को लेकर सूचित किया था श्रीवास्तव के रूप में शिनाख्त किए गए पत्रकार प्रतापगढ़ जिले के कटरा के पास सुखपाल नगर इलाके में मृत पाए गए पुलिस ने कथित तौर पर इस मौत का कारण सड़क दुर्घटना बताया है शहर के सर्किल ऑफिसर अभय कुमार पांडे ने न्यूज क्लिक को बताया एबीपी न्यूज चैनल में कार्यरत पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव रविवार रात करीब नौ बज के 45 मिनट पर कोतवाली थाने के कटरा मेदिनी इलाके में एक ईट भट्टे के पास मृत पाए गए पहली नजर में यह मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है वह भारी बारिश के चलते फिसलन भरी सड़क पर अपनी एवेंजर बाइक से गिर गए भारी बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ के फैल जाने से सड़क पर फिसलन हो गई और खासकर दोपहिया वाहनों के लिए यह सड़क जोखिम भरी हुई है उनकी बाई आंख के ऊपर एक छोटा सा निशान है और इसके अलावा कोई और चोट नहीं है उन्हें कोई अंदरूनी चोट आई थी या नहीं इसका पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि मृतक किसी हैंडपंप और बिजली के खंबे से टकरा गए थे जिससे उन्हें चोट लगी राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना और केंद्र शासित लद्दाख में पेट्रोल के खुदरा भाव पहले से ही सौ रुपए या उससे से ऊपर पहुंच गए थे इस सूची में शनिवार को कर्नाटक भी जुड़ गया और अब हैदराबाद में भी पेट्रोल की कीमत सौ के पार पहुंच गई है चार मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दामों में तेईसवीं बार बढ़ोतरी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला हुआ है और लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं जहां शुक्रवार को कांग्रेस ने देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए वहीं पर अब वाम दलों ने भी महंगाई के खिलाफ पंद्रह दिन के लंबे प्रदर्शन का ऐलान किया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कोविड 19 मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए इसे घोर संवेदनहीन और अमानवीय हरकत बताया है माकपा ने इसके खिलाफ 16 जून को प्रदेश भर में राज्य शासन के पुतले जलाने का आह्वान किया है इस विरोध कार्रवाई के जरिए मांग की जाएगी कि सरकार मौतों को की सही संख्या जारी कर प्रत्येक मृतक के परिवार को मुआवजा दे और इस घपले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए देश भर में कोरोना महामारी के बीच लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इस दौरान सरकारों पर आंकड़े छुपाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं कई सरकारों पर यह आरोप है कि वो राज्य में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के सही आंकड़ों को पेश नहीं कर रही हाल ही में बिहार ने संशोधित आंकड़े पेश किया था हालांकि इसके बाद भी बिहार उच्च न्यायालय ने, ने कहा उन्हें सरकार के संशोधित आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं है इसी तरह उत्तर प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश में कोविड से मौतों के आंकड़े छुपाए जाने का आरोप लग रहे हैं मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार जब मौतों को छिपाकर कोरोना की पहली और दूसरी लहर को मिलाकर सिर्फ 8,510 मौतों की बात कर रही है तब उसकी सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार केवल इस साल मई महीने में ही एक लाख चौसठ हजार आठ सौ तो अड़तीस मौतें हुई हैं। इसका अर्थ है कि सिर्फ एक दिन में ही पांच हजार तीन सौ सत्रह मौतें प्रदेश के अंदर हुई हैं। अब इस आंकड़ों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहे हैं कांग्रेस जहां सरकार से इस्तीफा मांग कर रही है वहीं वाम दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के छह लोकसभा सदस्यों में से पांच ने दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिला लिया है और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुन लिया है वहीं पारस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें एक अच्छा नेता तथा विकास पुरुष बताया और इसके साथ ही पार्टी में एक बड़ी दरार उजागर हो गई क्योंकि पारस के भतीजे चिराग पासवान अध्यक्ष के धूर आलोचक रहे हैं हाजीपुर से सांसद पारस ने कहा मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है उन्होंने कहा कि लोजपा के निन्यानवे प्रतिशत कार्यकर्ता पासवान के नेतृत्व में बिहार 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के खिलाफ पार्टी के लड़ने और खराब प्रदर्शन से नाखुश हैं पारस ने कहा कि उनका गुट भाजपा नीति राजक सरकार का हिस्सा बना रहेगा और पासवान भी संगठन का हिस्सा बने रह सकते हैं आज मंगलवार यानी 15 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के साठ नए मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा कोरोना से एक दिन में दो मरीजों की मौत दर्ज की गई है साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित एक जार 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 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में उनसठ मामले कम हुए हैं देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर दो करोड़ पंचानवे लाख उनहत्तर हज़ार आठ सौ अड़सठ हो गई है जिनमें से अब तक तीन लाख छिहत्तर हजार चार सौ इकहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पीड़ित पंचानवे दशमलव छः तीन फीसदी यानी दो करोड़ बयासी लाख बहत्तर हजार सौ तिरानवे मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर तीन दशमलव शून्य आठ फीसदी यानी नौ लाख तिहत्तर हजार एक सौ अंठावन हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 25 करोड़ छियालीस लाख तिरपन हज़ार छियालीस डोज दी जा चुकी है जिनमें से बत्तीस लाख सत्ताईस हजार अठहत्तर वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली नॉर्डअप में बस इतना ही इन खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट न्यूज़ पर जाएँ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया